सो एज यू कैन सी मैं आया हूँ QSC क्लिनिक में फ्रॉम मुंबई और अभी देखते हैं आगे का प्रोसेस कैसे होता है. वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रांसप्लांट सर्जरी और फिर देखते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसा है. मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ. थैंक यू. हाय, मेरा नाम जेम्स है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ. एज 34 है और बॉल्डनेस इट्स बीन अ वाइल, मतलब कॉलेज के टाइम से बॉल्डनेस हो रहा है और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है. रिसीडिंग हेयरलाइन पहले से था एंड इट वाज हेरिडेटरी, मतलब मेरे ग्रैंडफादर को था. और इवेंचुअली अभी ऐसे स्टेज पे हूँ कि मतलब आई एम 34. So I can still, I mean, as you can see, I can probably still have a hair transplant done at this point. So that's why I'm here in QST. Or I mean, jabhi, like everyone who is losing hair goes through all this phase ke they try different medicines, they try different oils, etc., etc. I've done the same thing. And eventually I have ended up coming here because I have heard a lot of good things about QST aur unka result bhi kafi acha hai, so that's the reason why I'm here. And this is I think a post operation video, so I mean I'm very curious to know ki aage kya hoga. So apart from this eventually matlab confidence लूज होता है स्टार्टिंग में, बट इतना भी नहीं होता. मतलब लास्ट में देर इज अ पॉइंट वेर यू एक्सेप्ट योर बॉल्डिंग. तो मेरा वो एक्सेप्टेंस है, बट आई स्टिल हैव अ गुड डोनर एरिया एंड आई कैन स्टिल गो फॉर एन ऑपरेशन राइट नाउ. तो मैं आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस, सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर एट QST. तो मेरा हेयर बॉल्डनेस स्टार्टेड फ्रॉम रिसीडिंग हेयर लाइन एंड इवेंचुअली क्राउन एरिया में भी बॉल्डिंग स्टार्ट हो गया. सो एज यू कैन सी आई एम ग्रेड 7, 6 to 7 एंड अभी फिलहाल हेयर थिनिंग भी हो रहा है यहाँ पे. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ माई स्कैल्प राइट नाउ. सो अभी आई विल बी गोइंग अहेड विद द सर्जरी यहाँ पे एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड. लेट्स सी हाउ इट गोज. थोड़ा नर्वसनेस भी है बट एक्साइटमेंट ज़्यादा है. तो अभी ब्लड सैंपल्स दिए गए हैं और मेरे फोटो सेशंस प्री ऑपरेशन फोटो सेशन हो गया है अभी एंड आई विल बी मीटिंग द डॉक्टर नाउ. आगे क्या प्रोसेस है और मेरे जो भी डाउट्स है वो अभी आगे डॉक्टर से क्लियर होंगे. एंड मैं आपको मेरे पूरे ट्रांसप्लांट का जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा. मिलते हैं सर्जरी के बाद. सो पोस्ट ऑपरेशन आई एम बैक और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड 3 दिन का एक्सपीरियंस था मेरा. तो पहले दिन मेरा स्लिटिंग हुआ, सेकेंड डे क्योंकि मेरे ग्राफ्स ज़्यादा थे तो सेकेंड डे आधा हुआ और फिर आज टुडे वाज़ द लास्ट डे एंड इट्स कंप्लीट एज यू कैन सी. एंड द होल प्रोसेस वाज़ वेरी स्मूथ फ्रॉम दे वर अमेजिंग. दे वर सो केयरिंग. व्हेनेवर आई हैड एनी प्रॉब्लम, कुछ भी था, मैं उनको एकदम फ्रीली बोल रहा था एंड दे गिव मी अ ब्रेक. सो इनिशियली थोड़ा जब भी एनेस्थेशिया देते हैं तभी प्रिकिंग होता है, नहीं तो फिर नहीं होता और फिर एकदम स्मूथली जाता है. और फिर थोड़ा बहुत जो बाद में अगर प्रिकिंग होता भी है, द एनेस्थेशिया गोज डाउन, इट इज़ बेरेबल. सो डोंट वरी अबाउट पेन. Pain is a part of the process for a better outcome in the future. तो मेरे 5,500 grafts लग गया है. So initially मेरे back of the head से donor area से निकाले गए थे, but then
थोड़े कम होने के वजह से बियर्ड एरिया से भी निकाला एंड उसके बाद देयर वाज लाइक इट वाज वेरी स्मूथ, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं था. डॉक्टर वाज ऑन पॉइंट व्हेनेवर एनीथिंग अर्जेंटली वाज रिक्वायर्ड, उन्होंने किया आके एंड 5500 ग्राफ्स से ज़्यादा ही लगे शायद. सो यू डोंट नो, आई मीन यू नेवर नो, आई मीन ये तो बस नंबर है बट they are always looking out for the best for you. जैसे आपके लिए you know आपके लिए अच्छा हो. तो मेरा expectation with QST was in terms of the work, the as you can see the hairline, single hair graph, double hair graph, triple hair graphs. So ये बहुत सारे जगहों पे सही तरीके से नहीं लगाते हैं. QST का रिजल्ट मैंने वही देखा कि बहुत ही क्लीन, प्रॉपर और सिस्टमैटिक तरीके से सबका ऐसी ट्रीटमेंट होता है. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई चोज QST इन द फर्स्ट प्लेस एंड आई गॉट द सेम आउटपुट आल्सो. अभी मैं जब भी खुद ही करा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि फॉर यू नो हाउ दे आर डिवाइडिंग द सिंगल हेयर ग्राफ्स, द डबल हेयर ग्राफ्स और कैसे लग रहा है. पहले इधर लगाते हैं और फिर अंदर भी बीच बीच में लगाते हैं. सो जो भी हेयर फॉल से फेस कर रहे हैं, डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस गो डाउन. डू कंसल्ट विथ QST और यहाँ पे आके एक बार मिलिए, डॉक्टर से बात कीजिए, सबसे मिलिए एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल चूज द राइट ऑप्शन फॉर यू. यू विल वॉट एवर इज योर डाउट दे विल हेल्प यू आउट विथ इट. एंड आई मीन QST इज ऑफकोर्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब, तो आप मतलब चूज करेंगे. थैंक यू QST. अभी मैं जल्दी मिलूंगा आप लोग से अपने 45 डेज के PRP सेशन के टाइम पे. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा.